दोस्तों अजीत अगरकर ने मैच से पहले दी टीम इंडिया को वार्निंग, अगर एक मैच हारे तो। क्या है खबर की पूरी जानकारी, क्या वार्निंग दे डाली है अजीत अगरकर ने टीम इंडिया को, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट, 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है। ये सीरीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस सीरीज को भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाहेगी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया का WTC में जिस तरीके का वहां पर दोस्तों प्रदर्शन रहा था उससे भारतीय सेलेक्टर्स जरूर नाखुश हुए होंगे। टीम इंडिया के उस प्रदर्शन से भारतीय प्रशंसकों को काफी गुस्सा भी आया था। लेकिन अब टीम इंडिया यहां पर दोस्तों एक बार फिर से उस चीजों को बुलाकर वापसी करने को पूरी तरीके से तैयार है। टीम इंडिया चाहेगी कि हर हालत में वेस्टइंडीज के टूर को अपने नाम किया जाए, लेकिन उस सीरीज को जीतने के लिए, उस टूर को जीतने के लिए भारतीय टीम हर बलकश प्रयास कर रही है। अब दोस्तों भारतीय टीम ने हाल ही में अपने नए सेलेक्टर के रूप में अजीत अगरकर को अपॉइंट किया है। अजीत अगरकर जो कि टीम इंडिया के नए सेलेक्टर हुए हैं और उन्होंने ही वेस्टइंडीज जाने वाली टीम को चुना है। लेकिन दोस्तों उन्होंने T20 टीम को चुना है, टेस्ट टीम को अभी भी यहां पर दोस्तों पुराने सिलेक्शन कमेटी ने चुना था। पर दोस्तों टेस्ट टीम को यहां पर धमकी दे डाली है अजीत अगरकर ने। उन्होंने कहा कि अगर टीम इंडिया जा रही है और वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो मैं अपने चयनकर्ता के रूप में बहुत सारे बड़े बदलाव कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चेंजेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं पिछले कोई भी खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज नहीं करूंगा। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो नहीं करेगा वो टीम से बाहर जाएगा। यही रूल हमेशा से चला आता रहा और यही रूल हमारे भी कार्यकाल में चलता रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी अजीत अगरकर के कार्यकाल में बाहर जाएंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।